मुझे ना कमेंट्स आ रहे हैं कि पापा कहाँ हैं आपके, पापा क्यों नहीं आए, ये वो। तो इनकी छुट्टी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। अभी थोड़ी देर पहले हम उठे हैं, हाथ मुंह धोया, अब नाश्ता करने की तैयारी हो रही है। धूप आ रखी है मस्त तेज, दिख ही रही होगी आपको। हम वहाँ पर बैठ गए थे, पुराने घर के सामने बैठ गए थे। हमने कहा थोड़ा सा उसको दिखाते हैं। तो आज नाश्ते में बन रखे आलू के पराठे, मजा आ जाएगा आज नाश्ता करने में। तो अभी फिलहाल हम नाश्ता करते हैं और यहाँ दिखाते हैं आपको। रुको, हाँ, हमारा दास बजा, और बजा, इधर को बजा है, इधर को। कितना खुश हो रहा, तो गाइस इसको बजाने देते हैं और इनको खेलने देते हैं। हम चलते हैं नाश्ता करने के लिए सीधा। तो गाइस आज बन रखे आलू के परांठे मस्त मस्त से, और साथ में चाय। लेकिन चाय का कलर तो व्हाइट साइड में, चाय का कलर काला काला क्यों है? तो चाय के साथ खाते हैं परांठे। वैसे मैं चाय नहीं पीती, पर आज परांठे के साथ खाऊंगी, पीऊंगी मैं चाय, क्योंकि परांठे सूखे नहीं खाए जाते वैसे ना, इसलिए। अचार है, अचार नहीं, मेरा मन नहीं अचार खाने का। ये यम्मी यम्मी आलू के परांठे और साथ में चाय। ये देखो दोस्तों, हमारे यहाँ निंगाल की टोकरी होती है ना रोटी रखने के लिए, तो ये भी नहीं है, कितनी प्यारी लग रही है ना। और मेरे ससुराल में वो पुरानी होगी तो कितनी काले काले से दिखती है, पर कितनी अच्छी लग रही है। अभी इसको 1 ही महीना हुआ है, मम्मी 1 ही महीना हो गया नहीं हुआ, मम्मी को खुद नहीं पता। अच्छी लग रही, बहुत अच्छी, इसलिए मैं लेके चल जाऊंगी इसको। तो दोस्तों ये वाली साड़ी जो मेरी मम्मी के टाइम की है, मतलब जब मैं छोटी थी उस टाइम पे मम्मी पहन के, इसमें मेरे साथ मम्मी की फोटो भी है, मैं डाल दूंगी इसको साइड में। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, मैंने सोचा मैं इसके साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज सिलवाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे ना ब्लाउज रंग बिरंगे कुछ भी पहन लेते थे, ऐसा नहीं था कि हाँ मैचिंग ही पहनना था बिल्कुल। जिस टाइम पे ये साड़ी थी, जिस टाइम की, मतलब ये कम से कम है 23-24 साल पहले की साड़ी ये, और मुझे बहुत पसंद आ रही क्योंकि इसकी प्लेट्स है ना बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे बैठ रहे हैं बिल्कुल, साड़ी लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे कर दो 2 मिनट में मतलब साड़ी लग जा रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पर मैं इसके साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज सिलाऊंगी, टब डाल के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो गाइस चाचू और जा रखे थे आज प्याज निकालने के लिए, और आप गए कितना फेस मकरा यार धूप में। तो चाची दादी और भी आ गए, बहुत बड़े बड़े प्याज होते थे, बड़े बड़े, लेकिन इस बार मौसम सारा बारिश की वजह से इधर उधर हो गया, ऐसे हो रखा बस सब जगह। जब दादी और प्याज को मतलब खोलेंगे ना तब दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर थोड़ी देर आराम करने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही पता नहीं क्यों आज। तो अब देखो गाइज ये दादी ने प्याज मतलब यहाँ पे पूरा बिखेर दिया, मैं दिखाती हूँ कितना प्याज हुआ है। हम जा रहे हैं दूसरे खेत में प्याज खोदने के लिए, घर के सामने है, तो मैंने सोचा मैं अभी जाती हूँ दादी और के खेत में। तो और आपको भी दिखा दूंगी ना साथ साथ कि कैसे निकालते हैं प्याज, क्या होता है। यहीं पे लगा रखा है थोड़ा सामने ही घर के नीचे, तो दूर से उधर पहले उधर होती ना इसकी प्याज की क्यारियाँ अलग से बनाई होती हैं, कि ताकि प्याज अपनी अलग ही स्पेस में जमे, मतलब अलग ही जगह पे जहाँ पर पानी वगैरह की कमी ना हो, ऐसी जगह पे, तो वहाँ लगा रखा था प्याज। और अब इस वाले के खेत में जा रही हूँ, ठीक है चलते हैं, फिर दिखाऊंगी आपको। मैं लग के जा रहे हैं, चाची तो चलेगी, दादी आएगी।
बहुत है, खा पी के बचेगा बहुत ज्यादा। बेचोगे चाची इसको? नहीं बेचोगे? यहाँ दो किसान लोग आर के देखी शक्ल के डुगू लकी, मुझे हर जगह डुगू डुगू मिल ही जाते हैं ऐसे डुगू नाम के लोग हैं। और इतना लहसुन भी हो गया इस खेत में, देखो काफी है, बहुत है ना, लहसुन प्याज सब हो गया। तो शाम का टाइम हो गया और हम निकल गए अपने सैर करने के लिए। आज तो मम्मी ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है, आज मम्मी भी हमारे साथ चलेगी और हम सीधा सीधा ही जाएंगे क्योंकि घंडियाली जा रहे हैं, हम घंडियाल साइड ही जा रहे हैं हम सैर करने, क्योंकि कल हम नीचे को गए थे ना, ऊपर को आने में बहुत दिक्कत हुई थी भाई साहब, ऐसा अंदागी थी। तो सीधा सीधा ऐसे कि सीधा सीधा चलो, सीधा सीधा वापस आ जाओ, तो सैर की सैर भी हो जाती है और कोई आफत उफत नहीं आती। तो यस हम चल रहे हैं, मैं मम्मी खुशी सन्नाज घर पर ही है और साथ में डॉगी चल रहे हैं और मनु दीपू। चलो सैर करते करते हम काफ़ी दूर आ गए हैं गाँव से और अभी भी चल ही रहे हैं सीधा सीधा चलने को क्या मिल गया, हम तो रुक ही नहीं रहे बिल्कुल भी, तो चले रहे मतलब लकी तो भाग। हाँ मैं कह रही है कि स्टॉप आएगा, सीधा जहाँ पे रुकना है बोल सीधा घंडियाल लग रहे हैं जैसे पहाड़ पे खड़े हो रखे होंगे घर, पर वहाँ पे जाके ऐसा लगता है नहीं, सीधे जगह पे यहाँ से कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पे मतलब रिलैक्स फील होते हैं यहाँ पे आके ना, आराम से आओ और अपनी सैर करते करते आए हम यहाँ तक और यहाँ पे आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ, फ्रेश हवा मिलती है यहाँ पे और उसके बाद तब थोड़ी देर में घर चले जाओ। लकी भी आ गया भाग के, लकी उधर गया था भाग भाग के, कहता मैं भाग गया तो एक रेस लगा गया तो। और साथ ही मुझे ना कमेंट्स आ रहे हैं कि पापा कहाँ हैं आपके, पापा क्यों नहीं आए ये वो, तो इनकी छुट्टियाँ जो बच्चे हैं ना मतलब छोटे भाई बहन मेरे, इनकी छुट्टियाँ पड़ गई थी 25 तारीख से, 25 हाँ शायद उससे पहले पड़ गई थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की छुट्टियाँ जल्दी पड़ जाती हैं ना, जैसे आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल की तो लेट पड़ती हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल की जल्दी पड़ जाती हैं, तो इनकी छुट्टियाँ पहले पड़ गई थी। और नेक्स्ट की जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है संचिता, तो उसका अभी मतलब उसने 12th के एग्ज़ाम दिए थे तो उसकी छुट्टियाँ ही पड़ रखी हैं, मतलब 3 महीने की उसकी छुट्टियाँ ही पड़ रखी हैं, तो इसलिए जल्दी आ गए थे मम्मी और जल्दी घर आ गए थे। और रही पापा की बात, तो हाईकोर्ट की छुट्टियाँ पड़ती हैं 1 तारीख से, और इस बार क्या हुआ कि कोर्ट की छुट्टियाँ थोड़ी सी लेट हो गई हैं, तो 3-4 तारीख मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं पर 2-4 दिन का डिफरेंस हो गया, 3-4 तारीख हाँ मतलब कल से पड़ी पापा की छुट्टियाँ। और उसमें क्या होता है कि बीच बीच में कई बार क्या होता है ना पेशी लगनी होती है, तो ये भी कंफर्म नहीं होता कि हाँ कि छुट्टियाँ पड़ी हैं पूरी, वैसे तो 1 महीने की छुट्टियाँ होती हैं बोलने के लिए कि हाँ 1 महीने की छुट्टियाँ पड़ रही है, फोन आ जाता है, कई बार केस ज़्यादा हो जाते हैं पेशी लगानी पड़ती है, कुछ भी हो जाता है ना तो पापा को जाना पड़ता है, इसलिए वो कन्फर्म मतलब उनको ये नहीं है, अभी कुछ काम भी नहीं है घर पर, लेकिन पापा देखेंगे क्या पता पापा 11 तारीख के बाद आएँ, चाचा और पापा दोनों जैसे आपको पता है कि हाईकोर्ट में ही हैं दोनों के दोनों, तो चाचा पापा उसी टाइम पर साथ में ही आएंगे, तो इस रीजन से पापा नहीं आ पाए घर। और जो लोग मुझे कह रहे कि पापा घर आ रहे ब्लॉग में नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर पापा घर होते तो मैं ब्लॉग में जरूर दिखाती, क्यों नहीं दिखाती यार पापा को, तो पापा भी मतलब घर नहीं आ रखे हैं, पापा भी वहीं है चंडीगढ़ ही हैं। और अभी तो कुछ दिनों बाद तो मम्मी और भी चल जाएंगे, 15-16 तारीख के बाद वो भी चले जाएंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे 15 तारीख के बाद, हाँ 16-17-8 में भी शायद 15 तारीख तक तो छुट्टियाँ हैं, उसके बाद बीच में सैटरडे संडे आ रहा है तो आराम से जाएंगे 17 तारीख तक जाएंगे यहाँ से, और पहले मम्मी और मुझे छोड़ने आएंगे मतलब मेरे ससुराल, उसके बाद जाएंगे। यही रीज़न था कि पापा क्यों नहीं दिख रहे थे ब्लॉग में, आपको पता चल गया होगा कि पापा नहीं आए हैं अभी, तो या इसलिए नहीं दिख रहे थे पापा, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें पापा को नहीं दिखा रही थी ऐसा कुछ, तो बस